गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल खैर से होंगे। अब हम अगेन रेडी हैं और अब बज रहे हैं रात के 10। सो हम लोग निकल रहे हैं फिर कुछ खाने के लिए और देखते हैं हम कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए और हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया। अभी हमारा ऑर्डर आने वाला है और हमें लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि मैं तो स्पेशली जब मेरा कोई माइंड में ऐसा कुछ बन जाता है ना, अभी मैं डिस्कस नहीं करती, बच्चों से भी डिस्कस नहीं करती, बट मैं अपना माइंड मैप बना लेती हूँ, फिर मैं अपना जो है खाना पीना शॉप कर देती हूँ और फिर इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और अब हम लोग वेट कर रहे हैं अपने खाने का। हम लोग खाना खाने पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने हमारा जो है सबसे लास्ट वीडियो हमने बनाई थी सना चाट की, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। खाने आ चुके थे, मैं अब आपको बताती हूँ दिखाएगा टेस्ट, टिक्का टेस्ट करके बताती हूँ कि टिक्के का टेस्ट कैसा। सबसे पहले मैं आपको टिक्के का टेस्ट बताती हूँ, फिर मैं उसके बाद जो है यहाँ की जगह बताऊँगी कि कौन सी जगह से हमने खाया। सो मैंने सोचा मैं आपको फूड रिव्यू भी दिया करूँ, कौन सा फूड कहाँ से जो है रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाता है और उसका टेस्ट कैसा होगा। टिक्का बहुत ज़्यादा मज़ेदार, कुछ जगहों से हम खाते हैं तो जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट तो उसका अच्छा होता है तो, लेकिन वो अच्छे से कुक नहीं होता, ये वेल कुक भी है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सो मुझे ये अच्छा लगा, तो अब मैं चेक करती हूँ, आपका ट्राई करती हूँ बर्गर और आपको बताती हूँ बर्गर का टेस्ट कैसा है। सो बर्गर ट्राई करते हैं, बता देंगे आपको यहाँ का बर्गर का टेस्ट कैसा है। बर्गर बहुत ज़्यादा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और खाने से बच रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है, मज़ेदार। बढ़िया खा रही है, बढ़िया आप क्या खा रहे हो? तो आप बढ़िया से पूछते हैं बढ़िया कौन जो है यहाँ के बर्गर का टेस्ट कैसा है। हम लोगों ने टिक्के के साथ यहाँ मंगाई है चपाती और जो है पराठा भी मंगाया है, पराठा टेस्ट करके बता दूँ मैं, पराठा कैसा मज़ेदार है भी है। यहाँ के करने वाले हैं बिरयानी टेस्ट, उसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। ये पैक करा ना, साफ है ये, जरा आपको नहीं जाने की। बिरयानी मुझे कुछ खास नहीं लगी, बस नॉर्मल है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बुरी है, बट
इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं कि मैं कहूँ कि हाँ यहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी मुझे ओवरऑल फूड अच्छा लगा है, बट बिरयानी जो है एवरेज है। अब मैं पहले प्रॉपर खाना खा लूँ, क्योंकि वीडियो के चक्कर में, ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरा जो खाना है ना उसका टेस्ट ख़राब हो रहा है। सो मैं पूरा कंप्लीट खाना खा लेती हूँ। हाँ, और ये लोग ख़त्म भी करें, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा जो खाना है हमारा सब ये सब इन्जॉय करो, यहाँ पर ख़त्म भी होने वाला है ऑलमोस्ट। सो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना पूरा खाना प्रॉपर खा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सो मैं और रात डेली मोस्टली रात के टाइम मेरा दिल चलता है कि मैं कुछ मज़ेदार से अच्छा सा खाऊँ, वो भी अपने हाथ का बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये लेडीज़ ही अच्छी तरह से बात जानती हैं कि जब वो खुद से पका लेती हैं तो उनको अपने हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो अभी मैं पूरा अच्छे से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से कंटिन्यू करती हूँ। रोल भी नॉर्मल, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़े का नहीं, अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। हम लोग खाना हम लोग ने खा चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं वापसी की तरफ। अब हम कुछ से कहा और भैया से क्या उन्होंने एंजॉय किया, मज़ा आया इनको? मुझे तो बहुत मज़ा आया। भैया आपको? मुझे भी बहुत मज़ा आया, मेरी आनी का नाम है। बरीरा कह रही है कि मैंने ओवर ईटिंग कर ली है। आपने ओवर ईटिंग कर ली है जी? आइए आओ, कहाँ करो ये कदर अपने ब्लॉग का कहते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं अपने ब्लॉग का कहते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी किसी रेस्टोरेंट या किसी और अच्छे से खाने की जगह पर, और मे भी एट होम, क्योंकि मोस्टली जो है मैं मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा बिजी होती है सो मैं थक जाती हूँ, मेरा मूड भी होता है जाने का, मैं रेडी भी होती हूँ, बट मैं थोड़ी देर बाद सोचती हूँ नहीं घर पर आ जाए और आराम किया जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारी कैसे आने वाली है। सो आप लोगों को अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।